अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आज हम पोएम कर रहे हैं कैटरपिलर कैटरपिलर चैप्टर नंबर टू है आपकी बुक का तो इसके हम मुश्किल अल्फाज करेंगे सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज अ कैटरपिलर एक कैटरपिलर क्या होता है द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई आर मॉथ विच हैज अ सेगमेंटेड वर्म लाइक बॉडी

और बहुत सारे अपेजेस होते हैं यानी लेग्स की तरह के छोटे छोटे अपेंडेजेस होते हैं तो इसको कैटरपिलर कहते हैं अब इसको इसकी जो बॉडी होती है वो फरी होती है आपने देखा है कि बहुत ज्यादा फर की तरह के छोटे छोटे बाल कवर होते हैं तो फरी का मतलब होता है कवर्ड विद फर जैसे आपने बिल्ली देखी होगी वो उसका जिसम भी फर से कवर होता है तो कैटरपिलर के जिसम के ऊपर भी फर होती है फिर हरी हरी कहते हैं जल्दी मूव और एक्ट विद ग्रेट हेस जल्दी जल्दी तेज तेज चलना तो ये तेज तेज चलता है फिर है शेडी लीफ शेडी लीफ क्या होता है सायादार पत्ता प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ग्लेयर एंड हीट ऑफ द सन इज शेडी जो चीज सूरज की रोशनी और गर्माइश से हिफाजत दे उसको शेडी कहते हैं तो ये देखा आपने लीफ के ऊपर शेडी लीफ इसलिए इसको कहते हैं कि पत्ते सूरज की रोशनी और गरमाइश से हिफाजत करते हैं फिर है स्टॉक आपने देखा है कि ये लार्वा स्टॉक एक छोटे से तने के ऊपर चला है तो जो भी मेन स्टेम ऑफ अ हर्बेशियस प्लांट कोई झाड़ी जिसका uh, जो स्टॉक होता है तना होता है उसको uh, स्टॉक कहते हैं जैसे ये जो लार्वा है स्टॉक के ऊपर आधा चढ़ा हुआ है फिर है टोड टोड क्या है शॉर्ट स्टाउट बॉडी एंड शॉर्ट लेगली है जिसका कोल्ड ब्लडेड एनिमल है ये पानी में भी रहता है और खुश्की के ऊपर भी इसकी टेल नहीं होती टेललेस है स्टाउट बॉडी इसकी बॉडी छोटी होती है छोटी इसकी लेग्स होती हैं और ड्राई वॉटी स्किन होती है जिसके अंदर से थोड़ा पॉइजन भी निकल सकता है इस इस जानवर को टोड कहते हैं स्पाई स्पाई क्या होता है टू ऑब्जर्व साइ, साइलेंटली जासूस भी कहते हैं जिसको खामोशी से दूसरे की हरकत को नोट करना हुवरिंग क्या कहते हैं आपने देखा है कि परिंदों को देखा होगा कि वो एक जगह खड़े होकर पार हिलाते हैं इसको हुवरिंग कहते हैं रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर यानी एयर में एक ही जगह पे खड़े रहना स्पिन स्पिन कहते हैं टर्न अराउंड क्विकली गोल गोल घूमने को अब आपके सामने थोड़े से क्वेश्चन हैं उम्मीद है आपको मुश्किल अल्फाज की समझ आ, आ गई होगी इन आंसर के क्वेश्चन देने की कोशिश आ, करें रोट द पोएम कैटरपिलर पिल्लर जो पोएम uh, लिखता है उसको पोइट कहते हैं तो कैटरपिलर किसने लिखी थी ये चार ऑप्शन हैं आपके पास मैरी ओलिवर माया एंजिलो क्रिस्टीना रोजेटी और सिल्विया प्लेथ तो ये पोएम uh, जो है वो क्रिस्टीनिया रोजेटी ने लिखी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अटर कैटरपिलर इज एन एनिमल इंसेक्ट बर्ड या प्लांट तो हमने देखा था कि इसके सेगमेंटेड बॉडी है इसके टू एंटीना है सिक्स पेयर थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स हैं तो ऐसे एनिमल को इंसेक्ट कहते हैं तो कैटरपिलर इज एन इंसेक्ट द कैटरपिलर इज वॉकिंग टू द गार्डन फ्लोर ट्री आर शेडी लिफ तो बिल्कुल आपने सही पहचाना इज वॉकिंग ऑन द शेडी लीफ नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द एंड द कैटर पिलर बिकम्स अ टोड बटरफ्लाई फ्रॉग स्पेरो बिल्कुल आपने सही पहचाना इट बिकम्स बटरफ्लाई एट द एंड प्यारे बच्चों सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड दे जस्ट वर्क हार्ड ऑन पर्पस जो कामयाब लोग होते हैं वो कामयाबी पैदाइशी लेकर नहीं आते बल्कि सिर्फ वो मेहनत करते हैं और फिर जो उन अपने मकसद में कामयाब होते हैं अगर आप भी सक्सेसफुल लोग बनना चाहते हैं तो मेहनत की आदत डालें रोज का काम रोज करें अपना वक्त ज़ाया ना करें खेले कूदे जरूर लेकिन पहले पढ़ाई पहले अल्लाह से ताल्लुक मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें अपने माँ बाप का कहना माने अच्छी आदतें अपनाएं तो इनशाला आप कामयाब होंगे उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें